हाँ भाई बशीर, ये पीछे वाले जानवर को चारा डाल दे, सुबह से भूखा खड़ा है। अबे यार, ये चिरांदी चाचा की कॉल क्यों आ रही है? हेलो। हाँ भाई, चाचा बोल रहा हूँ, क्या हाल है? जी जी चाचा, कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हें कोई खबर भी है अपने चाचा की? अरे चाचा, बस आजकल बिजी चल रहा हूँ, आपको तो पता नहीं यूट्यूबर बन गए। जब से यूट्यूबर बना हूँ ना, इतना बिजी हो गया आपको बता नहीं सकता। हाँ बड़ा बिजी हो गया तू। अरे तुझे याद है बचपन में हम तेरी पोटियां साफ करते थे, तुझे गोद में यूं यूं करके उछाला करते थे, सब भूल गया तू? अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब याद है, लेकिन आपको तो पता नहीं लाइफ कितनी बिजी हो गई है। और बड़े तेरे काम है। अच्छा बात सुन जी, ये जो बकरीद का मौसम चल रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, गाय का काम शुरू किया है मैंने, कैटल फार्म का तो नाम सुना है ना? हाँ हाँ सुना है। बस ये छोटा मोटा सेटअप किया है भाई, सारी जमा पूंजी लगा दी है, तू आ इधर चक्कर वक्कर लगा। ठीक है चाचा, मैं आपके पास इंशाल्लाह कल आता हूँ, कल आता हूँ। अरे नहीं नहीं कल नहीं, आज ही आ, जरा काम की बात भी करनी है तुझसे। ठीक है चाचा, मैं आपके पास फिर शाम में आता हूँ आज, सही है? चल चल जल्दी आ जा, इंतजार कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है अल्लाह हाफिज। मैं बशीर, इसको खाना डाल दे, तुझे कब से बोला भाई, नुकसान करवाएगा। अबे यार चाचा ने सारा फ्लो बिगाड़ दिया, अब कल ही एडिट करूंगा, कंट्रोल एस। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा। अरे भाई तुम तो मार्केट से शार्ट ही हो गए हो, ना तुम्हें हमारी खबर ना हमें तुम्हारी खबर, कुछ नहीं पता किसी का। अरे चाचा बस वो यूट्यूब पे लगा हूँ, आपको पता है सब्सक्राइबर बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ने से ना वीडियो भी ज्यादा बनानी पड़ती है। अरे हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी कुछ वीडियोस देखी थी, टिकटॉक बनाते हो ना तुम? अरे टिकटॉक नहीं है चाचा, यूट्यूब है। अरे भाई टिकटॉक यूट्यूब सब एक ही होता है। चाचा एक नहीं होता, वो अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा क्या, कितने व्यूज व्यूज कितने आ जाते हैं तुम्हारे? चाचा वीडियो के हिसाब से होता है, जैसे किसी में लाख आ जाते हैं, किसी में मिलियन, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब जैसा ट्रेंड होता है, जैसी वीडियो होती है उसके हिसाब से आते हैं। अच्छा ट्रेंड के हिसाब से होता है, मतलब जैसे अभी बकरा ईद का ट्रेंड चल रहा है। जी जी जी। हाँ मुझे तो पहले ही पता था। अब देखो बेटा, आपके चाचा ने कितना बड़ा कैटल फार्म खोला है, यहाँ पे हर किस्म के जानवर मौजूद है, मोटा छोटा पतला लंबा, दो दांत चार दांत, बस रस्सी पकड़ो और घर ले जाओ भाई, मंडी जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी चाचा, सेटअप तो माशाल्लाह अच्छा लगाया आपने। अच्छा बेटा बताओ, खाओगे क्या तुम? अरे चाचा खाना खा के आयो मैं घर से। अच्छा खाना खा के आयो, चलो चाय तो पियोगे ना? हाँ बशीर भाई के लिए चाय ले आओ। चाचा मैं चाय नहीं पीता। अच्छा बशीर भाई के लिए चाय मत लाना। अच्छा चाचा ये बताएं, आपने कोई इम्पोर्टेंट काम बोला था कॉल पे, क्या इम्पोर्टेंट काम है? अरे हाँ हाँ बेटा, तुमसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है मुझे, वो तुम्हारे वीडियोस में मैंने देखा काफी व्यूज आ जाते हैं, तो बेटा तुम्हारे चाचा ने कैटल फार्म खोला है, एक काम करो यहाँ पे आके छोटा सा एड बना दो भाई, तुम्हें करना ये है कि गायों को भागते हुए दिखाना है, फुल स्लोमो शॉट दिखाने, ताकि देखने वाले भी तो अट्रैक्ट हो, और भाई एंड में हमारा व्हाट्सएप नंबर डाल देना और कह देना अगर आपको गाय खरीदनी है तो चाचा के कैटल फार्म से खरीद लें, बस सिंपल सा तो काम है। ठीक है चाचा, आपका एड बना देंगे हम लोग। अरे बेटा तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, आखिर भतीजे भी तो हो तुम हमारे। अब ये बता दो क्या खाओगे, बिरयानी पिज्जा जिंगर टिक्का क्या खाओगे? चाचा खाना तो खाते रहेंगे, आप मुझे बताएं आपका बजट क्या है? क्या मतलब बजट क्या है, बजट क्या होता है ये? चाचा मतलब ये है कि आपका कैटल फार्म देखेगा, आपकी लोकेशन देखेगी, आपके जानवर देखेंगे, आपकी प्रमोशन होगी, तो इस चीज की कॉस्ट होती है, पैसे होते हैं। मतलब तुम ये छोटी सी वीडियो बनाने के अपने चाचा से पैसे लोगे? चाचा देंगे, सब्सक्राइबर के हिसाब से पैसे होते हैं, जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर तो 1 लाख रुपए, अगर 4 लाख सब्सक्राइबर तो 4 लाख रुपए, अब हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर है तो हम आपसे 4 लाख रुपए। शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे चाचा होने का भी लिहाज नहीं किया तुमने? याद करो बचपन में हम तुम्हारी पोटियां साफ करते थे, क्या तुम्हारे माँ बाप से हमने पैसे मांगे? हम भी तो ये कह सकते थे बच्चे की पोटी साफ कर रहे हैं, लाओ लाख रुपए हमें दे दो। अरे गोदों में खिलाया करते थे तुम्हें, गोदों में खिलाने के लाख 1.5 लाख तो ऐसे ही ले लेते हम तुम्हारे माँ बाप से, बेशरम। सुन बेटा आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म, जाके बता देना अपने बाप को। चाचा बात तो सुन। चुप, चाचा नहीं बोलना मुझे। चाचा चाचा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? कुछ नहीं बोला मुझे तो, बेशरम।
ठीक है चाचा, मैं आपका ऐड ऐसी बना दूंगा, रिश्ता तो खत्म नहीं करें यार आप। अरे बेटा, मुझे तो पहले ही पता था तुम ऐसे ही काम कर दोगे, आखिर भतीजे हो हमारे, हम तुम्हारे चाचा हैं। अब जल्दी से बता दो भाई क्या खाओगे, जिंगर, पिज्जा, बिरयानी, बोलो जल्दी बोलो। चाचा मुझे खाना वाना तो नहीं खाना, लेकिन मुझे बछड़ा पसंद आ रहा है। बशीर, इसको सुजुकी में लोड करा दे बेटा। बशीर, इसको सुजुकी में लोड नहीं कराना। अरे भाई क्या मतलब है बछड़ा सुजुकी में डाल दो, ना बात की, ना चीत की, ना बैठे, ना सौदा किया, कुछ भी नहीं किया, पता थी सुजुकी में डाल दो। अरे चाचा बछड़ा दे दे, मैं आपको बिरयानी, टिक्का, जिंगर, पिज्जा, जो आप बोलेंगे मैं खिलाऊंगा। क्या मतलब है खाना वाना खिला दूंगा, क्या मजाक चल रहा है इधर? बेटा पीछे से बहुत महंगे जानवर लाए हम। तो चाचा हम लोग भी कैमरे बहुत महंगे खरीदते हैं, लाखों के कैमरे आते हैं। बेटा हर वक्त इनके मरने का डर लगा रहता है। हमारे भी कैमरे के टूटने का खतरा रहता है, स्नैचिंग भी हो जाती है कभी कभी। तो बेटा हम भी इनको भूसा खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, और जो बंदे इनकी हिफाजत के लिए रखे होते हैं उनको अलग पैसे देने पड़ते हैं, और इनके मरने का डर अलग लगा रहता है, सुबह शाम जागना पड़ता है, जब जाके बिकते हैं और फिर थोड़े से पैसे कमाते हैं हम। चाचा हम भी पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें से कटिंग करते हैं, फिर शूट पे जाते हैं, शूट डिसाइड करते हैं, लोकेशन डिसाइड करते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं, फिर गेटअप चेंज करते हैं, फिर लोकेशन चेंज करते हैं, फिर एडिट पे बैठते हैं, फिर कलर ग्रेडिंग करते हैं, फिर म्यूजिक डालते हैं, फिर साउंड इफेक्ट डालते हैं, इतने सारे प्रोसेस के बाद थंबनेल बनाते हैं, फिर अपलोडिंग करते हैं, फिर जाके थोड़े से पैसे मिलते हैं हमें। बेटा 2 महीने से पाल रहा हूं इनको मैं। चाचा 8 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं हम लोग। 8 साल से? बेटा मुझे तो लगा था ये 2-3 क्लिप वायरल हुए, शायद अभी से काम कर रहे हो। बेटा कसम से मुझे नहीं पता था कि एडिट होती है, फिर कलर ग्रेडिंग होती है। चाचा कलर ग्रेडिंग? हाँ वही कलर ग्रेडिंग होती है, उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो अपलोड होती है। बेटा मुझे माफ कर दो और जल्दी से बता दो ऐड बनाने का क्या बजट होगा तुम्हारा। चाचा ये ऐड बनाने के मैं 5 लाख रुपए लूंगा। 5 लाख रुपए क्यों भाई, अभी तो तुम कह रहे थे 4 लाख रुपए लूंगा। चाचा जब तक अपलोड होगी ना 5 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर। अरे अभी अपलोड तो नहीं हुई है ना, अभी एडिट करोगे, शूट करोगे, कलर ग्रेडिंग करोगे, उसके बाद जाके अपलोड करोगे ना। ये चाचा भतीजे तो लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप भी इस मरहले से जरूर गुजरे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चाचा पॉटी साफ करने से यूट्यूब का क्या ताल्लुक है? अरे बेटा ताल्लुक है, बचपन से तुम्हें इतना बड़ा करती है, जब जाके तो तुम वीडियो बनाते हो, वरना कैसे बनाते? क्या मतलब है कैसे बनाते, हम भाई अपनी मेहनत से हमने किया। नहीं नहीं बेटा 4 लाख रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा बस। मैं तो 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। नहीं नहीं 4 लाख रुपए ले लो बेटा बस। 5 लाख रुपए दे दे आप बस। तो ये देखो ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों आ रहा है। अगर आप लोग गाय लेना चाहते हैं तो चाचा के प्लेट, चाचा के कैटल फार्म ना, अगर आप लोग गाय खरीदना चाहते हैं तो चाचा के प्लेटफॉर्म कहाँ आ रहा है, चाचा के कैटल फार्म। 4 टाइम का खाना होता है और जो खाना खाने डालने, अरे 1-2 चलेंगे हमारे उस वक्त। अरे तो वो तो वीडियो डालने के बाद होंगे ना, वीडियो डालने से पहले तो 4 लाख है ना। तो चाचा उसके हिसाब से व्यूज आएंगे ना, 5 लाख के हिसाब से। आवाज ही चेंज हो गई थी। बेटा 2 महीने से खरीद के, अरे बेटा बस करो, देखो जानवर भी उठ गए सारे।